क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, किसी वृत्त की त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ी है, त्रिज्या बढ़ी है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करिए जबकि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यहां मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या आर है, तो यहाँ कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या जो है इस दर से बढ़ रही है, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन का दर किसके रेस्पेक्ट में, पर सेकंड दिया है यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dr/dt, त्रिज्या में परिवर्तन की दर किसके रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, वह 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, यानी कि dA/dt निकालना है, कब, जब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या यानी कि r जो है 5 सेंटीमीटर है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में ही परिवर्तन की दर निकालिए ना, वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर में हो जाएगा πr² इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, तो टाइम टी के रेस्पेक्ट में, तो यहां से हो जाएगा dA/dt बराबर में क्या आ जाएगा, तो यह r² का हो जाएगा 2r, यानी आ जाएगा 2πr इंटू में dr/dt, r का डिफरेंशिएशन हो गया टाइम t के रेस्पेक्ट में। चलिए, तो 2πr, r कितना है जी, तो r का वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है, और dr/dt, तो dr/dt है यहाँ पे आपका 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चलिए, तो यहाँ 5 × 10, 10 में 0.1 से गुना होगा यानी 1 आ जाएगा, सिर्फ पाई बच जाएगा, पाई सेंटीमीटर 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 स्क्वायर और प्रति सेकंड। तो यहां भी देख लो dA/dt जो आया, तो देखो क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आया, प्रति सेकंड टाइम के टाइम जो है सेकंड हो गया, तो समझ गया ना, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से इसके क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर होगी हमारे टाइम टी के रेस्पेक्ट में। चलिए।